everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Yes. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. जस्ट से यस और नो. ओके, थोड़ा माइक थोड़ा सा दूर था. एक्चुअली माइक थोड़ा सा दूर था. ओके, थोड़ा माइक थोड़ा सा दूर था. एक्चुअली मैं सुन रहा था, मैं सुन रहा था, मैं खुद सुनता होता हूँ पहले की. हाँ, क्लास स्टार्ट. एक्चुअली मैं सुन रहा था, मैं सुन रहा था, मैं खुद सुनता होता हूँ पहले. ज्यादा ही पानी नहीं गिर रहा हैं? ज्यादा ही पानी नहीं गिर रहा तुम लोगों के ऊपर? सो एम आई क्लियर और नॉट? आवाज क्लियर है अभी? नाउ ऑल क्लियर, ग्रेट. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन में. तो हम डिस्कस करेंगे अपना सेशन. सो आज का सेशन है हमारा साइंस के एमसीक्यूज. ठीक है, आपको पता है, आप गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दे लें, साइंस हमेशा हर एग्जाम में आती है. क्लियर? और बस पढ़ना बहुत ज़रूरी है और चीज़ें बहुत आती हैं. और ख़ास करके मैंने एग्ज़ाम में देखा है, या तो आप डेली लाइफ में वो चीज़ें यूज़ करते हो उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपको आते हैं क्वेश्चन बायो के ऊपर, क्योंकि आपकी लिविंग बॉडी, आपकी ह्यूमन बॉडी में क्या चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. समझ आया? तो स्टार्ट करेंगे आज इस सेशन को और हम डिस्कस करेंगे साइंस के एमसीक्यूज. और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं. मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल. डेली हमारी क्लासेस 9 बजे होती हैं, जैसे आप सबको पता है. आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं. जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहते हैं. मेरे साथ यहाँ पे 140,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं. सारे लेक्चर्स, पीडीएफ्स, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ. आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं. कोई पेपर हो, डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं इसी मेल आईडी के ऊपर. जिस तरीके से आज हम साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे साइंस की. अगर आप ऐसे ही साइंस के क्वेश्चन में से पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जीएस के अंतर्गत, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, 10,000 एमसीक्यू कोर्स. और इस कोर्स के अंतर्गत आज आप कोड लगा सकते हैं वीआईपी फ्लैश. अगर आप इस कोड को लगाते हैं वीआईपी फ्लैश को, तो ये कोर्स आज आपको सिर्फ और सिर्फ 1299 रुपये में मिल जाएगा और इसके साथ डबल वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी. और इस कोर्स के अंतर्गत यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन है ही है, प्लस यहाँ पे मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं. मॉक के अलावा, मॉक टेस्ट के अलावा यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जीके, बिहार जीके और एमपी जीके और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके स्पेशल फोल्डर्स हैं यहाँ पे, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम को आपको टैकल करते हैं, उस चीज़ को आप देख सकते हैं. जीएस कोर्स की बात करूं तो ये हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीज़ें स्टडी करी है यहाँ पे. अब आप इन कोर्सेज को कहाँ से ले सकते हैं? दो जगह से, स्टडी आईक्यू ऐप पे या हमारी वेबसाइट studyiq.com. जैसे ही आप इस चीज़ को ओपन करते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आता है होम पेज.
यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज वी ऑल का बटन। इस वी ऑल के बटन को जैसे आप दबाएंगे जीएस कोर्स भी नजर आ जाएगा और 10,000 एमसीक्यू कोर्स भी आपको नजर आ जाएगा। जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। क्लियर? सो मेरी मानिए अगर आप इच्छुक हैं चीजें पढ़ने के, क्योंकि मैं कुछ लाइव क्लासेस जो हैं मेरी वो प्लान हो रही हैं मेरे 10,000 एमसीक्यू पेड कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें भी आपको वो सारी एक्सेस मिलेगी अगर आप 10,000 एमसीक्यू कोर्स को परचेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी बायर्स हैं उनको भी एक्सेस मिलेगी लाइव क्लासेस की, तो आप परचेज कर सकते हैं उस चीज़ को और आप आगे लेके जा सकते हैं। क्लियर? और सबसे बड़ा मौका है अभी 1299 रुपीज़ में और वैलिडिटी डबल है आपकी, तो उस चीज़ को ले सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इंटू द अमीनो एसिड। पहली बात तो अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स बने किससे होते हैं, वो आपके अमीनो एसिड से बने होते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं वो 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें दो तरीके के 10 और 10 जो होते हैं आपके, दैट इज द, ये मैटर नहीं करता। एक होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, क्लियर, और एक होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का मतलब क्या होता है? इसेंशियल का मतलब जरूरी, हमारे शरीर को जरूरत है। हमारे शरीर को जरूरत है किसकी? जरूरत है अमीनो एसिड की। तो इट मींस हम इस चीज को हम कहां से लेंगे? बाहर से, खाने से लिए जाएंगे। क्लियर? नॉन इसेंशियल का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी को जरूरत तो है लेकिन बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद बनाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन इसेंशियल। क्लियर? प्रोटीन्स की अगर मैं बात करता हूं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। नाइट्रोजन इज द इसेंशियल पार्ट। प्रोटीन किसके काम आते हैं? सेल ग्रोथ में, सेल रिपेयर में, बॉडी ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं। इनकी कमी से प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन हो जाता है, जिसमें दो रोग हो जाते हैं। एक हो जाता है क्वाशियरकर का, ठीक है, और दूसरा हो जाता है मरासमस का। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? क्वाशियरकर में क्या होता है, हाथ और पैर पतले हो जाते हैं, और मरासमस में मसल्स जो होती हैं वो लूज हो जाती हैं। अब इसमें कौन सा आपका एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है? एंड दैट इज द पेप्सिन एंजाइम। क्लियर? ये पेप्सिन एंजाइम कहां पे होता है? स्टमक में। स्टमक में आपकी ग्लैंड होती है जिसे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, और उस गैस्ट्रिक जूस में आपका एक एंजाइम होता है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और एक होता है रेनिन। ये रेनिन एंजाइम बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और ये दूध में मिली प्रोटीन कैसिनोजन को जो है ये क्या कर देता है? कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। ये याद रखना, कैसिन इज द प्रोटीन। आंसर इसमें क्या बनेगा? वन इज द करेक्ट ऑप्शन, वन ऑप्शन इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? लैक्टेज की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट कर देती है। लैक्टोज मतलब जो लैक्टोज होती है, मिल्क के अंदर भी आपको लैक्टोज शुगर देखने को मिलती है। लैक्टेज लैक्टोज को आपका कन्वर्ट करता है, किस चीज में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, क्योंकि लैक्टोज बनी होती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बनी होती है, और लैक्टोज को हम मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज जो है आपका, दैट इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है। जाइमेज, जाइमेज एंजाइम की अगर हम बात करते हैं, यस बताइए, जाइमेज एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है? ग्लूकोज को शराब में, इथेनॉल में कन्वर्ट करने में मदद करता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब बात यहां पर यह है कि ये प्रोसेस कैसे होता है? एनारोबिक तरीके से, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ये देखने को आपको मिलता है। जाइमेज एंजाइम का फंक्शन देखने को आपको मिलता है इन द एनारोबिक कंडीशन, इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज चेंजेस टू द इथेनॉल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एंजाइम और याद करो, एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है? सुक्रोज को, जिसे हम क्या कहते हैं? केन शुगर, केन शुगर और शुगर केन। क्लियर? सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है कौन? इन्वर्टेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्लूकोज को हम इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा मीठी शुगर कौन सी है? अगेन फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर ऑफ ऑल। क्लियर? ये याद रखना। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है आपका फीमेल हार्मोन है?
लड़कियों में जो होता है, इसका स्पेलिंग एक्चुअली गलत लिखे हुए हैं, एक्चुअली इट्स ए एस्ट्रोजन, इट्स कॉल्ड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज द फीमेल हार्मोन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो होते हैं फीमेल्स के अंतर्गत वो आपको डेवलप करने में मदद करता है। यस, बिल्कुल सही, एस्ट्रोजन इज द हार्मोन, फीमेल हार्मोन। जैसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, दो बॉडी की ग्रोथ होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना, ठीक है, बाल बढ़ना, हेयर्स बढ़ना, ठीक है, एंड बॉडी के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट देखना, तो वो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन के थ्रू देखने को मिलते हैं। टेस्टोस्टेरोन की अगर मैं बात करूं तो ये मेल के अंदर हार्मोन है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अगेन द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, जैसे कि लड़कों में बियर्ड आना, ठीक है, बॉडी हेयर्स आना और मसल्स मतलब बिल्डअप होना, और ये सब चीज़ें जो हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ संबंधित हैं। थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये निकलता है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड जो है वो आपकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन का मतलब वो होता है जहां से हार्मोन निकलते हैं, और वो हार्मोन कहां जाते हैं, आपके सारे के सारे हार्मोन जाते हैं सारे के सारे, डेट इज इन द ब्लड में। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, ये याद रखना। और इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम हो आपका बॉडी में, थायरोक्सिन हार्मोन कम हो तो थायराइड ग्लैंड फूल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉइटर, और गेंगा रोग के नाम से जानते हैं। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन, क्लियर हो गया आप लोगों को। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि सैटरडे, इस सैटरडे को अगर आपको पता होगा, इस सैटरडे को हमारी क्लास है, ठीक है, बेस्ट 200 क्लास, बेस्ट 200 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे और एक ही क्लास में होंगे। शाम को 6:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी वो, ठीक है, वो शाम को 6:30 बजे क्लास होगी। एंड कब होगी आई डोंट नो कि कब एंड होगी, पर ये क्लास मिस मत करना। पॉइंट समझ आया, बेस्ट 200 की क्लास मिस मत करना। चलिए जी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे एस्ट्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और अगेन प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करते हैं तो वो इम्प्लांटेशन ऑफ द एग की वो फैसिलिटेट करता है आपकी बॉडी के अंतर्गत। क्लियर। ऐसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ओवुलेशन को फैसिलिटेट करता है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो है फॉलिकुलर प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आई डोंट नो 12 बजे एंड होगी, कितने बजे एंड होगी, लेकिन क्लास बहुत दमदार होगी, और हिस्ट्री के अंतर्गत मैं पहली बार इतनी लंबी क्लास लेने वाला हूं। अदरवाइज मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी मैंने क्लास ली हुई है, पर जहां तक लगता है मुझे ये क्लास बहुत लंबी जाएगी, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना जो हमारी वो बेस्ट 200 की क्लास होगी, एंड बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके दिमाग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स कैन नॉट बी बायोडिग्रेडेबल, कैन नॉट बी बायोडिग्रेडेबल, मतलब क्या हो गया, कौन सी चीज जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकती। यस, बायोडिग्रेडेबल कौन सी नहीं हो सकती। यस, सीधी सी बात है, बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकती का मतलब क्या हो गया, तो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इट मीन्स वो आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके ऊपर माइक्रोब्स का कोई भी फंक्शन नहीं होता, माइक्रोब्स का कोई भी फंक्शन नहीं होता, दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका, डेट इज पीवीसी, क्योंकि जो आर्टिफिशियल चीजें होती हैं आपकी वो डिग्रेडेबल नहीं हो सकती, जैसे नेचुरल चीजें होंगी वो बायोडिग्रेडेबल हो पाएंगी। क्लियर। पॉलीविनाइल क्लोराइड, सो पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर कौन सा है, डेट इज विनाइल क्लोराइड, और पीवीसी पाइप्स जो होती हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स होती हैं, ये हम यूज करते हैं और ये एक्ट एज ए इंसुलेशन, इंसुलेशन का काम करती है। इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। स्टार्च की बात करते हैं तो ये प्लांट फूड है आपका, प्लांट फूड इज द स्टार्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। सेलुलोज की बात करते हैं, प्लांट सेल है और उसकी आउटर वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं होता, कौन सा, सेलुलेज एंजाइम नहीं होता। ये सेलुलेज एंजाइम उनमें एक्टिव होता है जो घास फूस खाते हैं, जैसे कि काओ, बफेलो, ये सब चीज़ें, तो उनमें सेलुलेज एंजाइम होता है, याद रखना है। प्लांट के अंदर ये सेलुलोज करती क्या है, सेल वॉल का, सेल वॉल जो होती है वो उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है,
प्लांट सेल को, तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। प्रोटीन की अगर बात करें, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज एसेंशियल पार्ट, प्रोटीन, एनर्जी, मेलन्यूट्रिशन वगैरह वगैरह सब चीज़ें बता चुका हूँ। 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप खाते हैं तो 5.65 कैलोरी आपको ऊर्जा मिलती है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पीवीसी इज द राइट वन, पीवीसी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। ये कुछ ओट्स के ऊपर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है आपका, ये आपकी ओट्स के ऊपर क्वेश्चन है जी, किसकी ओर कौन सी है कौन सी नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, इनमें से किसकी ओर नहीं है, स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बॉक्साइट ये तो है, ठीक है, बॉक्साइट भी है, कोरंडम भी है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करता हूँ, अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट के अंतर्गत सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन सा होता है, ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, और उसके बाद आपका आयरन, देन कैल्शियम, क्लियर। लेकिन अगर आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा एलिमेंट, तो ऑक्सीजन आ जाएगा। अगर पूछा सबसे ज्यादा मेटल कौन सा मिलता है, तो उसका आंसर बनेगा आपका एल्यूमिनियम, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये आपका पहला पॉइंट तो सही है। कॉपर का है सिनेबार, तो नहीं, कॉपर का सिनेबार नहीं है, सिनेबार होता है मरकरी का, क्लियर, और कॉपर का होता है आपका क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस या कॉपर पायराइट, ये सब चीजें देखने को आपको मिलती हैं आपके कॉपर के लिए। पॉइंट समझ आया आप लोगों को, यस, कॉपर का समझ आ गया आप लोगों को, तो आंसर किसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, यस बिल्कुल सही। और कॉपर की क्या है, कॉपर ग्लांस भी है, समझ आया। और अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कॉपर जो है इसको ढूंढा कब गया था, चालकोलिथिक एज में। सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है, सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर महंगा है, इसीलिए हम इसके बाद कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉपर सस्ता होता है बहुत ज्यादा, क्लियर। आंसर नंबर बी। मरकरी की बात करते हैं, तो मरकरी की ओर है आपकी सिनेबार। अगर मरकरी कंजम्पशन ज्यादा हो जाए तो आपको मिनी माटा डिजीज हो सकती है। मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड, जम जाता है -39 के ऊपर। अगर हमने -40, -50, -60 मापना हो तो हम कौन सा फिर थर्मोमीटर यूज करेंगे, एल्कोहल थर्मोमीटर हम यूज करते हैं। और मरकरी का सिंबल होता है Hg, और मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड होती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होती है, याद रखना। आयरन की बात करते हैं तो हेमेटाइट है, बिल्कुल सही है। आयरन के और भी कौन सी हैं, साइड्राइट हो गया, ठीक है, लेमनाइट हो गया, और मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट, लेमनाइट, साइड्राइट, मैग्नेटाइट एंड आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, क्लियर हो गया आप लोगों को। आयरन पायराइट इज द FeS2, जिसे हम और क्या कहते हैं, फूल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है, क्लियर। आयरन के ऊपर अगर जंग लग जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, क्रोजन, मतलब खोखला अगर होने लग गया तो उसको क्रोजन कहते हैं, और उसके ऊपर जंग लगी तो वेट बढ़ जाएगा उसका, जिसे हम कहते हैं रस्टिंग। और इस चीज के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, यानी कि पानी, मतलब ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, और वाटर चाहिए, यानी कि मॉइस्चर चाहिए। अगर ये हो जाता है तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, और क्रोजन या रस्टिंग कहते हैं उसके ऊपर। और इसके ऊपर हटाने के लिए जिंक की परत चढ़ा दी जाती है आपकी, और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वनाइजेशन, गैल्वनीकरण कहा जाता है, ये याद रखना। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके साइंस के लिए, क्लियर। जिंक की ओर है आपकी कैलामाइन, ये भी आपका सही है। जिंक की जिंक पायराइट भी है, जिंक पायराइट भी देखने को हमें मिलती है, सो ये याद रखने हैं पॉइंट आपको। जी 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 जी, ठीक है। और एक चीज आपको बता देता हूं, पेपर में आ जाता है, इट्स नॉट जिंक पायराइट एक्चुअली, एक तो कैलामाइन हो गया, एक जिंक ब्लेंड हो गया, जिंक का जिंक कैलामाइन, और जिंक ब्लेंड, और जिंकाइट। सो दीज आर द ओर्स ऑफ द जिंक। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, आंसर इसमें बनेगा बी। सो दिस इज नॉट द करेक्टली मैच, आंसर नंबर बी इज द राइट वन, आंसर नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए अगला आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी ग्रास इज द मेन एंड द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। जो सी ग्रास है आपका, यस,
सी ग्रास जो है वो मेन एंड इंपॉर्टेंट सोर्स है, किस एलिमेंट का मेन सोर्स देखने को हमें मिलता है? सी ग्रास, सी ग्रास में मेनली देखने को आपको मिलता है आयोडीन। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। और बाकी मैंने आपको बताया था आयोडीन का कॉन्सेप्ट किसके साथ संबंधित है, आपका थायरोक्सिन हार्मोन के साथ। अगर आप आयोडीन प्रॉपर तरीके से खा रही हैं तो डैट मीन्स आपकी बॉडी मतलब थायरोक्सिन हार्मोन निकलता चला जाएगा। अगर आयोडीन कम कर दिया थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा और आपको ग्वाइटर घेंगा रोग हो जाएगा। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम ये वाली चीज। ब्रोमीन की बात करें ये भी लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, क्लियर। और अगर हम बात करें ब्रोमीन की, ब्रोमीन 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 हम यूज करते हैं, इट्स नॉट ब्रोमीन एक्चुअली, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट मेरे दिमाग में था, चलो अगर दिमाग में है तो पढ़ लेना चाहिए। बेरियम सल्फेट जब भी अगर आप एंडोस्कोपी करवाते हैं, एंडोस्कोपी सुना होगा आप लोगों ने वर्ड, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है, एक पाइप लेते हैं उसको आपके मुंह में डालते हैं और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए वो पाइप या प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, एंडोस्कोपी। उससे पहले एक मेडिसिन दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट कहते हैं, ये याद रखना। और पटाखों में जो फायरवर्क्स होते हैं उसमें हरा रंग आता है, उन पटाखों में हरा रंग किसके कारण आता है, वो बेरियम के कारण आता है, ये याद रखना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। क्लोरीन की अगर मैं बात करता हूं तो वाटर प्यूरिफिकेशन होती है, वाटर प्यूरिफिकेशन जैसे म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है उसमें वो क्या करते हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन डाल देते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, ए आयोडीन इज द करेक्ट आंसर, आयोडीन। चलिए जी अगला आंसर बताइए। ये क्वेश्चन अभी रहने दीजिए, ये क्वेश्चन अभी रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा ना एग्जैक्ट चीज मेरे दिमाग में है और पेपर ने कुछ आंसर और लिखा हुआ है और मेरे दिमाग में कुछ आंसर और है इसका, बट इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यही सेम क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा बट उस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए अभी। यस चलिए जी अगला आंसर बताइए। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द नॉर्मल ह्यूमन बींग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70 kg इन द अडल्ट ह्यूमन बींग इज अप्रोक्सीमेटली, तो यहां पे क्या है, देखिए हमारी बॉडी में ब्लड की बात चल रही है 70-80 kg, ये तो उन्होंने ऐसे लिख दिया, सिर्फ नॉर्मल ब्लड की बात चल रही है। और मैंने आपको बताया हुआ है हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो 5 से 5.5 लीटर के आसपास होता है, 5 से 5.5 लीटर के आसपास होता है, और गर्ल्स के अंतर्गत जो है 4.5 से 5 लीटर के आसपास होता है। गर्ल्स में थोड़ा सा कम इसीलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, मासिक वाला मंथ वाला जो प्रोसीजर चलता है जिन्हें हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, 28 दिन के बाद वो साइकिल चलता है और ब्लड लॉस बहुत होता है जिसके कारण उनका हमारी बॉडी से मतलब ह्यूमन बॉडी से मेल बॉडी से थोड़ा सा ब्लड कम होता है आपका, क्लियर। अब बात यहां पे करते हैं तो इसका आंसर सीधा सीधा हमें मिल गया, दैट इज 5000 ml, 5000 ml दैट इज 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है यहां पे। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। ब्लड की अगर मैं बात करता हूं तो ब्लड जो है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संजोजी उत्तक इसको हम कहते हैं, इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4 जिसके लिए हम इसको कहते हैं एल्कलाइन, एल्कलाइन इज द मतलब उसका पीएच से हम एल्कलाइन उसको वर्ड यूज कर देते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। अब अगर मैं बात करता हूं, अगर हम मैं बात करता हूं ब्लड की, तो ब्लड अपने आप में तो 100% है ना, सो ब्लड के दो पार्ट आते हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो है प्लाज्मा और एक होते हैं सेल, कार्पस्कल्स, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है 55% होता है और सेल जो होते हैं आपके 45% होते हैं, और प्लाज्मा का 90% जो होता है वो होता है वाटर, और पानी का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। तो डैट मीन्स प्लाज्मा का फंक्शन भी यही होगा, हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ है, चाहे हार्मोन है, चाहे आप खाना खा रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने का काम किसका हो जाता है, आपका प्लाज्मा का काम हो जाता है। और ब्लड प्लाज्मा फिल्टर कहाँ पे होता है, किडनी के अंदर, किडनी के अंदर एक आपका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है नेफ्रॉन, वहां पे क्या होता है आपका ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, फिल्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्राण निस्पंदन के नाम से इसको हम जानते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेल्स की बात करते हैं तो 3 तरीके के हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, क्लियर। और इन तीनों में सिर्फ न्यूक्लियस होता है ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ। अगर हम वर्ड यूज करते हैं ब्लड कैंसर,
कैंसर का मतलब क्या होता है? कैंसर का मतलब होता है कोई सेल आपका अनलिमिटेड टूट रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। वो टूटने का मतलब ये होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा वही टूटेगा। सो दैट मींस ब्लड कैंसर इज रिलेटेड विद द WBCs। इसीलिए ब्लड कैंसर को हम और क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहा जाता है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और WBCs की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? लिकोसाइट्स कहते हैं इसको। क्लियर? WBCs का काम क्या होता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना, इम्यूनिटी से हमें बचाना, इन्फेक्शन से हमें बचाना और ये सब चीजें। RBCs का काम होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवाना। प्लेटलेट्स का काम होता है आपके ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाना। क्लियर? ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? चलिए अगला आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है? इनमें से यूनिट ऑफ हीट कौन से नहीं है? यूनिट ऑफ हीट, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, तो आपको सीधा निकाल देंगे आप लोग, क्योंकि एक ग्राम मतलब एक चीज से कैलोरी थी इसकी ऊर्जा होती है, जूल भी इसकी ऊर्जा होती है आपकी, मतलब यूनिट होते हैं, अर्ग भी आपके यूनिट होते हैं, सेंटीग्रेड इज नॉट द यूनिट। आंसर इसमें क्या बनेगा? वन इज द करेक्ट आंसर, वन ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेंटीग्रेड जो होता है वो आपके टेम्परेचर के होते हैं, लेकिन टेम्परेचर के एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं केल्विन, और अदरवाइज सेल्सियस, फारेनहाइट, ये सब चीजें हम यूज करते हैं किसमें? आपके इन चीजों में। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। और वन अर्ग जो होता है ये किसके बराबर होता है? डेट इज 10^-7 जूल के बराबर देखने को हमें मिलता है। एक दिमाग में क्वेश्चन और आता है मेरे, क्या कि 1 kWh जैसे आपकी वो होती है पावर होती है घर में आती है, 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 × 10^6 जूल के बराबर होती है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1 horsepower पूछा जाता है, 1 horsepower ये कितने किसके बराबर होती है? 746 watt के बराबर होती है। ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आपको पेपर में पूछ ले जाते हैं, तो इसका याद रखना। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो एसआई यूनिट इज जूल, और न्यूटन मीटर इज मतलब यूनिट ऑफ हीट ही है। क्लियर? कैलोरी की अगर मैं बात करता हूं, कैलोरी जो एक ऐसी अमाउंट हीट जो नीड होती है, 1 gram पानी को 1 degree centigrade टेम्परेचर अगर बढ़ाना है तो उसे हम कैलोरी कहते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर याद रखना। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सी ऐसी चीज नहीं है, चाहिए नहीं होती फोटोसिंथेसिस के लिए? फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए, लाइट की प्रेजेंस में खाना बनना प्लांट के अंतर्गत। ध्यान से समझने वाला पार्ट है ये। देखिए एटमॉस्फेयर से हमें आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, हम पानी बाहर से दे देते हैं, क्लियर, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लूकोज में, और साथ के साथ निकलती है आपकी ऑक्सीजन। पॉइंट समझ आया? और ये आपका क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल वहीं वहीं होगा जहां पे आपका ग्रीन कलर होगा, और साथ के साथ आपको चाहिए होगी सनलाइट, और सनलाइट भी आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी, 400-700 nanometer की आपको लाइट चाहिए होगी जो कि विजिबल लाइट है, और इससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके ये बना जाते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है यहां पे। अब बात यहां पे ये है, बहुत सारे क्वेश्चन है हमें, पहले तो कौन सी चीज चाहिए नहीं, तो हमें तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी चाहिए नहीं होती, ऑक्सीजन इससे बनाई जाती है, इस प्रोसेस से ऑक्सीजन बनती है, ना कि ऑक्सीजन हमें चाहिए। पॉइंट समझ आया? ये ऑक्सीजन आती कहां से है? ये पानी का टूटना, पानी जब टूटता है ऑक्सीजन तब बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मतलब क्या हो गया आपका, लाइट की प्रेजेंस में पानी का टूटना, तो वो क्या पैदा करता है, ऑक्सीजन पैदा करता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है, एटमॉस्फेयर से आती है। अब ये कौन से प्रोसेस से आती है, रिडक्शन प्रोसेस से आती है। ये कौन से प्रोसेस से आती है, डिफ्यूजन प्रोसेस से आती है आपकी, क्लियर। और पानी जब हम देते हैं बाहर से तो हर जगह के ऊपर जाता है, ऑस्मोसिस के तरीके से जाता है पानी, क्लियर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है आपका ग्लूकोज, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहा जाता है। और आपका जो पानी है, पानी से बनता है आपका ऑक्सीजन, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। पॉइंट समझ आया? सो दैट मींस दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन, एक्चुअली इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही मतलब रिएक्शन में चल रहा हो, तो सेम दैट मींस
ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है और वाटर जो है आपका पानी में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आपके देखने को मिल रही है यहां पे। तो हमें क्या चीज नहीं चाहिए होगी फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑक्सीजन बिल्कुल भी चाहिए नहीं होगी। क्लियर हो गया। फोटोसिंथेसिस के लिए आपके क्लोरोफिल में प्लांट के अंदर एक मेसोफिल सेल होते हैं, इनके अंदर सेंटर में मैग्नीशियम एटम होता है जो कि बहुत जरूरी होता है आपका फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, जाइलम होता है पानी की कंडक्शन के लिए, फ्लोएम होता है फूड की कंडक्शन के लिए आपके फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं यहां पे। प्लांट का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, और अगेन ग्रीन कलर क्यों होता है आपका, ग्रीन कलर होता है फोटोसिंथेटिक जहां पे क्लोरोफिल होगा वहां पे। अब ग्रीन कलर धीरे 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 येलो कन्वर्ट करने लग जाता है, जिनके पत्ते जो होते हैं वो येलोइश आने लग जाते हैं, वो रीजन क्या होता है, कैरोटीन पिगमेंट। कैरोटीन पिगमेंट, क्लियर हो गया आप लोगों को, ये याद रखना। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन। चलिए जी अगला आंसर बताइए। इनमें से ऐसा कौन सा स्केल है जिसके टेम्परेचर के ऊपर कभी भी वैल्यू जो है आपकी नेगेटिव नहीं आएगी, नेगेटिव वैल्यू कभी भी किसी के पास नहीं आएगी यहां पे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका, सो सेल्सियस के अंतर्गत आपकी वैल्यू कभी भी नहीं जीरो नेगेटिव आएगी, क्यों नहीं आएगी, अब देख लीजिए। सी बाई 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 100, क्लियर, और इज इक्वल टू के माइनस 273.15 अपॉन 100, क्लियर, और आर बटा 80, क्लियर हो गया आप लोगों को, आर बटा 80। तो इसमें से हमें वैल्यू जो है आपकी नेगेटिव वैल्यू, तो वो केल्विन की नहीं आएगी, केल्विन की कभी भी वैल्यू जो है आपकी नेगेटिव नहीं आएगी, ये याद रखना, नॉट सेल्सियस, केल्विन की। आंसर नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, केल्विन इज द राइट वन, यस, आंसर नंबर सी, केल्विन इज द राइट वन, केल्विन की कभी भी वैल्यू जो है आपकी नेगेटिव नहीं आएगी, ये याद रखना, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। बाकी टेम्परेचर वाली चीजें मैंने आपको बताई दी हैं, क्लियर, ये फॉर्मूला से आप कुछ भी चीज निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो वो होता है जिसे हम कहते हैं जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है जीरो केल्विन, जहां पे आपका पानी जो है मॉलिक्यूलर मोशन गैसेस का, लिक्विड्स का, सॉलिड्स का बंद हो जाता है। वो अगर फारेनहाइट में बात करते हैं तो यहां पे आ गई, रैंकाइन में बात करते हैं तो यहां पे आ गई, केल्विन हो गया जीरो और सेल्सियस हो गया -273.15, तो दैट मींस केल्विन की वैल्यू कभी भी जीरो नेगेटिव में नहीं आएगी, ये याद रखना। ये सारे पॉइंट्स बता रखे हैं तो आपको पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए जी अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए, विच इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, जिम वाले लोग भी कहते हैं और जिम वाले लोग खाते भी हैं ये, तो कौन सा सबसे अच्छा सोर्स है, एंड दैट इज द सोयाबीन। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, सोयाबीन इज द राइट वन, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह वो सब चीजें मैंने आपको डिटेल में समझा रखी हैं। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। इनमें से ऐसा कौन सा फ्रूट है जिनके बीज जो होते हैं वो बाहर होते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा फ्रूट है जिनके बीज बाहर होते हैं, ये तो शक्ल देख लो, स्ट्रॉबेरी, बनाना, कैश्यूनट, ग्राउंडनट, तो आपको समझ आ जाएगा, सीधी सी बात है, जो स्ट्रॉबेरी होती है उनके बीज हमें बाहर को देखने को मिलते हैं, तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट, क्लियर। अगर मैं बात करता हूं सीड्स को, सीड है तो सीड हमें सीड है तो ऑब्वियसली बात है उसमें सीड टूट नहीं रहा, सीड जब टूटेगा तभी जाके प्लांट बनेगा या आगे चीजें बनेगी। सीड को तोड़ने के लिए आपको कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन चाहिए होता है, सेल ग्रोथ के लिए साइटोकाइनिन हार्मोन चाहिए होगा, जाने के सीड को पकने के लिए प्लांट में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको साइटोकाइनिन हार्मोन चाहिए होगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखना। फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहा जाता है, क्लियर, और फ्रूट को पकने के लिए कौन सा गैशियस हार्मोन चाहिए, इथाइलीन, इथाइलीन इज द गैशियस हार्मोन जो फ्रूट्स को चाहिए होता है। और फ्रूट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो एक आपका जो है डेट इज मतलब रेवोल्यूशन हुआ था, गोल्डन रेवोल्यूशन फॉर द एप्पल, फॉर द फ्रूट, फॉर द हॉर्टिकल्चर, ये देखने को हमें मिलता है। एंड फ्रूट इज द राइपंड ओवरी, फ्रूट इज द राइपंड ओवरी, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बनाना की बात करूं, एप्पल की बात करता हूं, तो इनमें सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है आयरन,
क्लियर। तभी आपने देखा होगा अगर हम सेब को काट के रख दें या बनाना को काट के रख दें, तो उसमें जो कलर है वो चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, और वो टर्न टर्न करने लग जाता है ब्राउनिश कलर में, जब जंग लगने वाले कलर में, रेडिश कलर में। वो रीजन क्या होता है? आयरन उसमें देखने को मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रॉबेरी इज द राइट वन। इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये कब सेलिब्रेट किया गया था? पहली बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सो दिस वॉज सेलिब्रेटेड इन द 2010। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी, 2010 में ये सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आंसर नंबर सी। बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है? 22 मई को, 22 मई को, 22nd of May। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली 22nd of May निकली है आपकी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी एरिया जहां पे एक पर्टिकुलर स्पीशीज वहीं पे पाई जाती है और उनको डर होता है खत्म होने का, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है और डर होता है खत्म होने का। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे इंडिया में कहां कहां पे हैं? वेस्टर्न घाट में है, ईस्टर्न हिमालयाज में है, क्लियर, सुंडा लैंड में है। तो ये आपके हॉटस्पॉट्स देखने को हमें मिलते हैं इंडिया में। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2010। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज, सबसे बड़ा सोर्स जो है वर्ल्ड में पोल्यूशन का वो कौन सा है? सबसे ज्यादा सोर्स जो है पोल्यूशन का कौन सा है? हर्बिसाइड्स जो हर्ब्स को खत्म करने के लिए होते हैं, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को खत्म करने के लिए, ऑटोमोबाइल गाड़ियों से, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मतलब उद्योगों से निकलता है, सीवेज एंड गार्बेज मतलब मलजल और कूड़ा कचरा। तो सबसे ज्यादा जो है हमारा पोल्यूशन जो वर्ल्ड के अंतर्गत देखने को मिलता है वो है सीवेज और गार्बेज का। कोई भी चीज कहीं पे भी खाते हो और कहीं पे भी फेंक देते हो, और वो अगेन छोटा सा हिस्सा चलता 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 नदियों में, नहरों में, कैनाल में, एंड एट द एंड ओशन में, सी में जाके जम जाता है, और वहां पे आपकी जो प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। सो सबसे बड़ा सोर्स है वर्ल्ड के अंतर्गत सीवेज एंड कूड़ा कचरा। आंसर नंबर सी इज द राइट वन, आंसर नंबर सी। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। वॉशिंग ऑफ द पील्ड वेजिटेबल रिमूव विच विटामिन, जब हम सब्जियों को काटते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन जो है, फिर उसको धोते हैं तो सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा लॉस हो जाता है? पहली बात तो विटामिन की अगर मैं बात करता हूं तो विटामिन वर्ड हमें दिया था फंक ने, क्लियर। विटामिन दो तरीके के होते हैं, वाटर सॉल्युबल जो होते हैं आपके विटामिन बी और विटामिन सी, और एक होते हैं आपके फैट सॉल्युबल विटामिन जिसे ए होता है, डी होता है, ई होता है, और आपका के विटामिन होता है यहां पे, क्लियर। तो पानी से जो आपका कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, एंड दैट विटामिन इज विटामिन सी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन सी। विटामिन सी को हम और क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, क्लियर। अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपको स्कर्वी रोग देखने को मिलेगा। स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़ों से ब्लड निकलने लग जाता है। विटामिन सी हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ सिट्रस फ्रूट से मिलता है, नो एनिमल फूड, एनिमल फूड से हमें देखने को नहीं मिलता। इसी कारण मिल्क के अंतर्गत जो होता है आपका विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी जो होता है आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है, इसीलिए मिल्क में ना तो विटामिन सी है ना ही इसके अंतर्गत आयरन देखने को हमें मिलता है। ये आपको याद रखना है, क्लियर हो गया। मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होती है आपकी, ये याद रखना है आपको, क्लियर। आंसर नंबर सी, विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर। और विटामिन ई की बात करते हैं तो इसको हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? टोकोफिरोल। और ये एंटी स्ट्राइल विटामिन भी है, ये एंटी स्ट्राइल, क्लियर, नपुंसकता को भी खत्म करता है। विटामिन डी जिसे हम क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं आप, और इसका दूसरा नाम होता है कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल मतलब कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन, क्लियर। और इसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में, दैट मींस हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती हैं, हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं यहां पे। विटामिन ए का नाम है आपका रेटिनॉल, क्लियर। तो ये इसकी कमी से हो जाता है आपको ज़ेरोफ्थैल्मिया, आंखें ड्राइज होने लग जाती हैं, क्लियर। और नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को दिखना बंद होने लग जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस होने लग जाती है यहां पे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विटामिन सी इज द राइट वन, विटामिन सी। चलिए
चलिए जी अगला आंसर बताइए। यह सिंपल क्वेश्चन है आपका, एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है, 72 टाइम जो है आपकी हार्ट बीट होती है, ये याद रखना। हार्ट बीट का मतलब क्या होता है, हार्ट बीट का मतलब होता है जो हार्ट है वो आपका ऐसे बीट कर रहा है, क्लियर हो गया आप लोगों को, जाने के बंद हो रहा है खुल रहा है, बंद हो रहा है खुल रहा है, जाने की कॉन्ट्रेक्शन भी हो रही है रिलैक्सेशन भी हो रही है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन ये सब चीजें चलती हैं, एंड कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट, क्लियर हो गया आप लोगों को। कॉन्ट्रेक्शन को हम और क्या कहते हैं, सिस्टोल के नाम से जानते हैं, और रिलैक्सेशन की बात करें तो इसको हम डायास्टोल के नाम से जानते हैं, तो दैट मींस सिस्टोल एंड डायास्टोल कॉन्स्टिट्यूट द हार्ट बीट। एक हार्ट बीट जो होती है आपकी वो जिसमें 70 ml ब्लड जाता है आपका, 70 ml ब्लड जाता है तो अब क्या होगा, 72 हार्ट बीट का मतलब क्या हो गया, 72 हार्ट बीट का मतलब हो गया 72 × 70, सो इसका मतलब 5040 ml, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 5.04 लीटर ब्लड जो है हमारा जाता है, दैट मींस अगेन यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकल आया कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो 5 लीटर के आसपास देखने को हमें मिलता है, क्लियर। और इस पूरे के पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहा जाता है जो ये प्रोसेस होता है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। और हार्ट बीट को हम कैसे मेजर करते हैं, स्टेथोस्कोप से मेजर किया जाता है आपका, क्लियर। और यहां से हम मापते क्या है, यहां से हम मापते हैं पल्स, पल्स भी एक मिनट में कितनी होती है, 72 होती है। पल्स को मापने के लिए हम कहां पे उसको हाथ कहां पे लगाते हैं, आर्टरीज के ऊपर हाथ लगाते हैं, ये याद रखना, क्लियर। ये आर्टरीज वही होती हैं जहां से आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड आपकी बॉडी में जा रहा होता है, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। और जो एओटा होती है ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है आपकी, महाधमनी होती है ब्लड हार्ट के अंदर का। चलिए जी अगला आंसर बताइए। दांत और बोन्स आपकी स्ट्रांग रहती हैं, रिजिड रहती हैं किसके कारण, तो दांत और बोन्स जो हैं आपके स्ट्रांग रहती हैं कैल्शियम के कारण, दोनों कैल्शियम के बने हुए हैं, फास्फोरस के बने हुए हैं। दांतों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, क्लियर। बनाने वाले सेल्स को क्या कहते हैं, ओडोंटोब्लास्ट। दांत जो हैं आपके, दांत के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इनेमल। इनेमल जो होती है नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, प्रकृति में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, मतलब बॉडी में, नेचुरल बॉडी में, इसको नेचुरल वर्ड नहीं कहेंगे, बॉडी के अंतर्गत जो है आपका सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, इनेमल। अगर मैं नेचर की बात करता हूं तो नेचर में तो आपका है डायमंड, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन भी है, क्लियर हो गया आप लोगों को। बोन्स की स्टडी की बात करें तो बोन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी, और बोन्स को बनाने वाले सेल इज ऑस्टियोब्लास्ट, ये याद रखना, क्लियर। फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन अगर आप खा लेते हैं ज्यादा तो क्या हो जाता है, फ्लोरोसिस हो जाता है। दो तरीके का फ्लोरोसिस होता है, एक होता है डेंटल फ्लोरोसिस, क्लियर, और एक होता है स्केलेटल फ्लोरोसिस। अगर दांतों में ज्यादा हो जाए तो डेंटल कहेंगे, पूरी अस्थि पिंजर पूरी बॉडी में हो जाएगा तो स्केलेटल वर्ड यूज किया जाएगा। सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो एसिड बेस बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, क्लियर। मसल को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है कौन, दैट इज आपका जो है सोडियम, सोडियम और पोटाशियम आयन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। क्लोरीन मैंने आपको बता ही दिया, वाटर प्यूरिफिकेशन के अगले आपको चाहिए होता है, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। यहां पे देखिए जी कैल्शियम और फास्फेट चाहिए होगा आपकी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और बोन्स के लिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, इनमें से मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं जो सभी चीजों को कंट्रोल करके रखती है, मास्टर ग्लैंड है तो वो है आपकी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, आंसर इसमें क्या बनेगा, वन इज द करेक्ट आंसर। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, क्लियर हो गया आप लोगों को। ये सभी ग्लैंड्स को आपकी एक्टिवेट करके रखती है, बचा के रखती है, मोटिवेट करके रखती है, और सारे हॉर्मोन जो हैं यहाँ से निकलते हैं आपके और पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थायराइड ग्लैंड की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपकी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, पॉइंट समझ आया। और थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है,
थायरोक्सिन हार्मोन जो है अगेन आयोडीन के साथ संबंधित हो गया, जो ग्वाइटर रोग ये वो सब चीजें मैंने आपको बताई थी अभी, क्लियर। पैराथायरॉयड हार्मोन जो होती है, ग्लैंड जो होती है वो आपकी थायरॉयड ग्लैंड के पीछे होती है, क्लियर। हमारी बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन करके रखना वो पैराथायरॉयड ग्लैंड के साथ संबंधित होता है। एड्रिनल ग्लैंड की अगर मैं बात करता हूं तो ये किडनी के ऊपर लगी होती है आपकी, और इससे एक हार्मोन निकलता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एड्रिनालिन। एड्रिनालिन हार्मोन निकलता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट बीट वगैरह को बढ़ाता है, इसीलिए इसको 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, फाइट फियर फ्लाइट। जब ये तीन कंडीशन होती हैं तो आपकी हार्ट बीट वगैरह बढ़ जाती है, इसीलिए इसको 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 पिट्यूटरी ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। सो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी मास्टर ग्लैंड जो ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और ये कंट्रोल किसके द्वारा करी जाती है, हाइपोथैलेमस द्वारा। हाइपोथैलेमस जो है आपकी बॉडी के अंदर हंगर कंट्रोल सेंटर है और थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर है, भूख का और प्यास का सेंटर देखने को हमें मिलता है। चलिए जी अगला आंसर बताइए, रेबीज जो है वो क्या है, रेबीज। रेबीज जो है ये एक वायरल प्रॉब्लम है, पहली बात तो ये वैसे डॉग्स में देखने को मिलती है, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए मतलब डॉग को रेबीज हो, अगर वो किसी को काट लेता है तो उसको भी रेबीज हो जाएगी, और उसमें पानी से डर लगने लग जाता है, इसीलिए रेबीज को हम और क्या कह देते हैं, हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, पानी से डर लगने लग जाता है यहां पर, क्लियर। फंगस की अगर हम बात करते हैं तो फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। कौन सा फंगस तुम खा सकते हो, मशरूम, समझ आया। वायरस, वायरस के स्टडी को हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। और इसके फादर कौन है, इवानोवस्की। और वायरोलॉजी के सेंटर कहां पे है, पुणे के अंतर्गत। टोबैको मोज़ेक वायरस पहली बार ढूंढा गया था, टोबैको इंडिया में लेके आए थे पोर्तुगीज, लेकिन कंजम्पशन बैन किया था जहांगीर ने। और टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया कहां पे है, गुंटूर में है, आंध्र प्रदेश में देखने को हमें मिलता है, क्लियर। और नो टोबैको डे कब होता है, 31st of May, 31st ऑफ मे, नो टोबैको डे, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। एंड वायरस आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइस इज पैक्ड इन द सॉ डस्ट बिकॉज, आइस को जो होती है वो बुरादे में हम क्यों रख देते हैं, हम देखते भी हैं कि बुरादे के अंतर्गत जो है वो आपकी जो है वो जो आइस है वो पिघलती नहीं है, वो आइस पिघलती क्यों नहीं है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर नहीं है हीट का। अगर वो गुड कंडक्टर हीट की होती तो हीट उसमें बुरादे में जाती और एट द एंड जो है आपका क्या हो जाता, बर्फ पिघल जाती। अगर बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर का मतलब क्या हो गया कि उसमें हीट जाएगी नहीं और उसके कारण बर्फ पिघलेगी नहीं। सो आइस जो है आपका, सॉडस्ट जो है आपकी, वो क्या है, दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट देखने को मिलती है, जिसके कारण वो आपकी बर्फ जो है पिघलती नहीं है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी, क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी एक पत्थर को आप देखे, देखा होगा आपने, किया भी होगा, सबने किया होता है, एक पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो उसमें तरंगे लहरती हैं, पॉन्ड्स में तरंगे आती हैं, और वो तरंगे जो होती हैं, लहरें जो होती हैं, वो कौन सी लहरें बनती हैं वहां पे, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बनती है और उसमें ट्रांसवर्स वेव भी बनती है। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबी वाली ऐसे, क्लियर। सो ये दोनों बनती हैं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 इज द राइट वन, क्लियर। आंसर नंबर सी इज द राइट वन, आंसर नंबर सी। अगेन एक चीज क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जैसे पॉन्ड होता है, पॉन्ड में मछलियां आपको दिखती हैं, मछलियां आपको दिखती हैं बहुत ऊपर, लेकिन एक्चुअली वो ऊपर नहीं होती, बहुत नीचे होती हैं। वो हमें ऊपर क्यों दिखती हैं, उसके ऊपर दिखने का रीजन क्या होता है, दैट इज द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन रीजन होता है, ये याद रखना। फिश की बात कर दी थी मैंने यहां पर, तो फिश की स्टडी को इक्थियोलॉजी कहा जाता है, क्लियर। और फिश के पालने को क्या कहते हैं, हम पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। और फिश के लिए रेवोल्यूशन था आपका ब्लू रेवोल्यूशन, ये याद रखना। आंसर नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। चलिए जी अगला आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन जो है वो हमें लाल दिखाई देता है कब, जब सनराइज होता है और सनसेट होता है, इसका रीजन क्या होता है,
इसका रीजन ये होता है कि रेड कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है बहुत ज्यादा होती है और वो स्कैटर्ड अवे हो जाता है, जिसके कारण हमें वो रंग जो होता है वो लाल दिखाई देता है। दैट मीन्स द रेड लाइट हैविंग द लॉन्गर वेवलेंथ एंड इट स्कैटर्ड अवे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था आपका, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ब्लू कलर ऑफ द मून, ब्लू कलर ऑफ द वॉटर एंड ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और सन के पास ऊर्जा जो आती है, एनर्जी जो आती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब दो चीजें जुड़ती हैं और बड़ी चीज बनती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाता है और उसके बाद जो है ये ऊर्जा बहुत ज्यादा डेंजरस होती है सन के अंदर, क्लियर। और सन की लाइट जो है आपकी कितने टाइम में पहुंचती है, 498 सेकंड में पहुंच जाती है धरती के ऊपर, ये भी आपको याद रखना है। चलिए जी आंसर बताइए, कौन सा फिनोमिना चमगादड़ और डॉल्फिन जो यूज करते हैं प्रे को फाइंड आउट करने के लिए, प्रेडेटर्स को फाइंड आउट करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स को फाइंड आउट करने के लिए, ये क्या करते हैं, ये साउंड छोड़ते हैं, और वो साउंड कौन सी होती है आपकी, अल्ट्रासोनिक। पॉइंट समझ आया, अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ते हैं, यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज देखने को हमें मिलती है, क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें कैसे फाइंड आउट होता है, यस बताइए, यस बिल्कुल सही आंसर। इसमें क्या बनेगा आपका, इको फॉर्मेशन से हमें पता लग जाता है। तो आंसर इसमें क्या पता चलेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी, यस आंसर नंबर डी, इको से हमें पता लग जाता है। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा डॉल्फिन के बारे में, हमारी जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो गंजेटिक डॉल्फिन है, गंगा रिवर में होती है, तो गंजेटिक डॉल्फिन कहते हैं। उसका नाम दूसरा क्या होता है, प्लैटानिस्टा गंजेटिका, प्लैटानिस्टा गंजेटिका, सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, प्लैटानिस्टा गंजेटिका, आंसर नंबर डी। सो दिस इज द, ये आपकी सोनार मेथड जैसे होता है आपका, वही सेम इको दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंज, उसी चीज को यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं और आपको ऑब्जेक्ट पता लग जाता है। चलिए अगला आंसर बताइए, एक फ्लाइंग जेट जो होता है वो क्या पोजेस करता है। देखिए एक वायुयान है, मतलब हवा में चल रहा है, पहली बात तो हवा में चल रहा है, जब हवा में चल रहा है तो मोशन में है, चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो एक ही पोजीशन में चल रहा है, ऐसे ऐसे तो नहीं हो रहा, मतलब एक ही पोजीशन में चल रहा है तो दैट मीन्स पोटेंशियल होगी, तो दोनों ही ऊर्जा होती है, पोटेंशियल भी होती है काइनेटिक भी होता है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एम जी एच कहते हैं उसको, मास ग्रेविटी हाइट के लिए, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ एम वी स्क्वायर होती है, मास एंड वेलोसिटी के साथ संबंधित होती है ये। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और मैंने आपको बताया था कि जेट प्लेन्स कहाँ पे चलते हैं, आपकी कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में चलते हैं ये, क्लियर, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में चलते हैं, वहीं पर आपकी ओजोन भी देखने को मिलती है जो कि यूवी रे से हमें बचाती है, याद रखना। चलिए अगला आंसर बताइए, टंगस्टन जो है आपका वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए, वो क्यों यूज किया जाता है। आपने देखा होगा हम बल्ब को छोड़ देते हैं, कई बार आप घर से चले जाते हैं, महीना महीना चले जाते हैं तो बल्ब चलता रह जाता है पीछे से, वो फिर भी फ्यूज नहीं होता, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का है। वो टंगस्टन फिलामेंट करता क्या है आपके, वो मतलब जो उसका टंगस्टन का फिलामेंट है वो क्या है, वो पिघलता नहीं है, जिसके कारण वो हमेशा टिकाई रहता है। सो दैट मींस इट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण वो टिका रहता है और वो पिघलता नहीं है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, गलनांक बहुत ज्यादा हाई होता है उसके कारण, आंसर नंबर डी इज द राइट वन, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये है जी टंगस्टन का पॉइंट। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे डॉक्टर विपन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 140,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई पेपर है, क्वेश्चन है, डाउट्स है, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। जिस तरीके से आज हमने साइंस के क्वेश्चन पढ़े हैं, तो अगर आप साइंस के क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं 10,000 MCQ कोर्स, जिसमें हम
चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन करते ही करते हैं, प्लस यहाँ पे एग्जाम स्पेसिफिक बहुत ज्यादा स्पेशल फोल्डर्स मैंने बनाए हैं, आपको एग्जाम से महीना दो महीना पहले पढ़ के जाने होते हैं ताकि आपकी मैक्सिमम रिवीजन हो जाए चीजों की, और यहाँ पे मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं, और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी जीके, बिहार जीके, स्टेट की जीके भी मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा रखी है इन स्टेट्स की, क्लियर। और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, लाइव क्लासेस मैं इसमें स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, क्लियर। और इसमें वीआईपी फ्लैश अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं तो, अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा मिलेगा, प्लस डबल वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी इस कोर्स के अंतर्गत, वो देख लीजिए। जीएस कोर्स की बात करें, ये हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी है, आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं स्टडी आईक्यू ऐप पे या हमारी वेबसाइट studyiq.com। जैसे ही आप इस चीज को ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, वी ऑल का बटन, इस वी ऑल के बटन को दबाना, जीएस कोर्स आपको दिखेगा यहां पे, और 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको यहां पे दिख जाएगा। जो भी कोर्स अच्छा लगे आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं, क्लियर। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि आपको करना कैसे है, आपको करना क्या है, आपको यहां पे देखिए जी studyiq.com जो है वो खोल लेना है, ठीक है, हमारी वेबसाइट खोल लेनी है studyiq.com। जैसे आप खोलेंगे सो यहां पे पूछा जाएगा व्हाट डू यू वांट टू लर्न, तो यहां पे आप डाल देना 10,000 एमसीक्यू। जैसे आप डालेंगे ये चीज, ये कोर्स आपको नजर आ जाएगा, यहां पे होगा बाय नाउ का बटन, यहां पे बाय नाउ में आपने डाल देना है वीआईपी फ्लैश, ये सीधा सीधा कोर्स आपको फ्लैश 1299 रुपीज में मिल जाएगा, पॉइंट समझ आया। और इसमें वीडियोज ऑलरेडी जो हैं वो 607 वीडियोज हैं, और भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं यहाँ पे, वो देख लेना आप लोग, ठीक है। और जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप आज, सिर्फ आज के दिन वीआईपी फ्लैश यूज करते हैं ना, वीआईपी फ्लैश अगर आप यूज करते हैं तो आप सिल्वर वाला भी जब लेंगे ना तो ये आपको 1299 रुपीज का पड़ेगा, ठीक है। और उसमें वैलिडिटी कितनी होगी, 24 मंथ, यानी कि 2 साल तक, ये 2 दिन ही है। अगर आप इस चीज को मतलब आज नहीं करेंगे या 2 दिन में परचेज नहीं करेंगे तो ये अगेन 12 मंथ हो जाएगा यहां पे, तो बाद में नुकसान आपका है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो दिस इज द गोल्डन पीरियड, गोल्डन चांस आप परचेज करने का, क्लियर। बाकी मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पे हमने जो चीजें डिस्कस करी हैं वो कैसे हैं, यहां पे दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। मैं पहले साइंस का दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो साइंस में देखिए जी, यहां पे फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करवा रखे हैं, फिजिक्स न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है आपके यहां पे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है आपके यहां पे, ठीक है, ये सारे केमिस्ट्री के पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट है यहां पे, ये सब चीजें हमने डिटेल में एक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चीजें स्टार्ट कर रखी हैं, और यहां पे क्लियर। ऐसे ही फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये वो सब चीजें, और उसके बाद आपके स्पेशल फोल्डर्स किए गए हैं यूपीपीसीएस के लिए, उत्तर प्रदेश जीके के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, एमपीपीसीएस के लिए, बिहार के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, क्लियर। और ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स और भी हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, त्रिपुरा के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, स्टैटिक जीके भी कन्वर्ट कर रखी है मैंने यहाँ पे, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, सीपीएफ, पंजाब एग्जाम, पंजाब कोऑपरेटिव, उड़ीसा के एग्जाम्स के लिए, आईसीआर के लिए, सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्विज भी, आपके एमसीक्यू रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट आपको 100% तैयार देना ही देना है, टेस्ट आपको देना ही देना है। अगर आप इस मॉक टेस्ट को आप पढ़ेंगे तब जाके आपको चीजें जो है रिवाइज होंगी, जब सारी चीजें जो है आपको क्लियर होंगी, ठीक है। और एक चीज और, इस कोर्स को तो आप परचेज कर ही लेंगे, और जो हमारा सैटरडे को, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, सैटरडे को क्लास है हमारी 6:30 PM, और उस दिन हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 200 क्वेश्चन एक ही क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, तो ये ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना अच्छे से, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो गाइज ये है आज के लेक्चर में हमारे क्वेश्चन सारे के सारे, बाकी सब चीजें आपको पता है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर हम मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं लिंक डालता रहता हूँ, ठीक है। सो बस गाइज ये है, पढ़ो अच्छे से, तैयारी करो, रिविजन करो, आगे बढ़ो, क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, जय हिंद।